नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष विजन प्लानेट में। तो दोस्तों, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, दोबारा से आज फिर आए हैं भाई कमल भाई के पास द विजन लवर स्टूडियो में। आपको पूरी रेंज आज कवर करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर दिखाएंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाएंगे, आपके कबूतरों के लिए जो डेली यूज की चीज़ें हैं, जैसे कि ये सबने ट्रेस देख रहे हैं, पीछे ड्रिंकर हैं, नेस्ट बॉक्स हैं, तो पूरी की पूरी एंटायर रेंज है भाई, पूरी रेंज कवर करेंगे, आपको पूरी रेंज दिखाएंगे। और जिस भाई को भी चाहिए होगा, आपको स्क्रीन पे नंबर मिलेगा, आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, और भाई आप उसको अपना थ्रू कुरियर मंगा सकते हैं अपने घर पे। तो भाई ये पूरी पूरी रेंज है जो आज कवर करेंगे। और भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं एंटायर रेंज। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं सारे वर्सेला लागा के। और इसमें ये बेल्जी का भी है, और ये आप देख लीजिए नीचे सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। तो एक एक करके भाई इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। तो भाई ये स्टार्टिंग में जो है ये रिकवरी कैप्सूल्स है, इसके बारे में आपको बताते हैं क्या है बेसिकली। पहले तो नमस्कार है दोस्तों सबको, आज आशीष भाई के माध्यम से फिर एक बार इनके YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए अपने स्टोर से वीडियो लेके आ रहा हूँ। और ये वर्सेला लागा के प्रोडक्ट हैं दोस्तों, ये वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। रिकवरी कैप्सूल 6 से 7 घंटे कोई भी कबूतर उड़ रहा हो उसके 1 घंटे के बाद आप ये कैप्सूल दें, उसकी पूरी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आइडियल पिल हाजमे का भी काम करती है, बीमारी में भी आपको सपोर्ट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करती है। और उड़ानों में आपको एक दिन पहले रात को जब आप 10 ml पानी, इंडिया में मोस्टली लगाते हैं 10 से 20 ml पानी, तो उस टाइम ये एक टैबलेट दें आप सुबह, बिल्कुल कबूतरों का जो है दाना पोटा बिल्कुल साफ मिलेगा, उनका हाजमा ठीक रहेगा, परफेक्ट रहेंगे कबूतर, और परवाज भी अच्छा देगा, और ये बहुत सपोर्ट करती है उड़ानों के अंदर। और रिकव लाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपको उड़ानों में बहुत काम आता है, एनर्जी भी देता है कबूतर को, और ये आप चलते वक्त भी लगा सकते हैं और उड़ के आने के बाद भी दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक पैक 20 कबूतरों में आप मिनिमम लगा सकते हैं, इसमें 12 सैशे होते हैं, और ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वर्सेला लागा का, हमारा ये भी काफ़ी बिकता है। बाथ साल्ट है, सबको पता ही है बाथ साल्ट के बारे में, लेकिन फिलहाल जो आजकल मैं जो ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, पर बहुत चौड़े आए हैं कबूतरों के, तो उसके लिए मैंने एक तो ये वीटा यूज़ करा और एक अमीनो पावर, दोनों ही प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कबूतरों के कितने अच्छे चौड़े पर आए हैं परपटाई के बाद। वैसे तो बेसिकली मल्टीविटामिन है, हाँ मल्टीविटामिन है और मिनरल्स के साथ में है, बहुत बढ़िया और इजी टू यूज है, पाउडर फॉर्म है। आप सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल ले लें, 1-2 ढक्कन 1 किलो में डाल लें, और उसके ऊपर ये दाना 1 चम्मच डाल लें आप, राइस स्पून जो होता है काफ़ी है, रगड़ दें उसमें, आराम से खा लेता है कबूतर, कोई दिक्कत नहीं आती। एक ये है दोस्तों 4-in-1 पाउडर है, 4-in-1 मेल्डिवॉर्म का भी आता है और 4-in-1 ये बेल्जिका का भी है, मैं हमेशा इमरजेंसी के लिए अपने पास ही रखता हूँ। ये मेरा मानना ये है हर कबूतरवास के खुडे में ये मेडिसिन होनी चाहिए, हर किसी के लॉफ में ये मेडिसिन होनी चाहिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। जैसे ही आपको लगे कबूतर इन्फेक्शन में आ गए हैं, हरी बीट कर रहे हैं, पीली बीट कर रहे हैं, काली लाल बीट कर रहे हैं, पतली जो कि हार्मफुल है कबूतर पे, कबूतर वजन छोड़ रहे हैं, तो आप 5 दिन इसका कोर्स करें। ये 5 ग्राम जो है 2 लीटर पानी में यूज़ होती है, 80 ग्राम की डब्बी है ये, और बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, ये हमेशा इमरजेंसी होना चाहिए हर किसी के उतरे के पास। एडीनो कोलो ई कोली वायरस, जैसे भी वायरस आते हैं सब में ये काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। और बूस्टेक्स 5 के बारे में आप जानते ही हैं, मेडिवॉर्म ये भी आप जानते हैं जो कि हमारे डीवॉर्मिंग के लिए काम आती है। और एक आइटम और है दोस्तों जो मैं बहुत पसंद करता हूँ उड़ानों में, जो खुद यूज़ करता हूँ, वो ग्लूकोस है। आप दौड़ लगाएंगे, आप थकेंगे, आप वेट लूज़ करेंगे, कोई भी मेहनत का काम करेंगे, तो आपके शरीर सबसे पहले जो लूज़ करती है वो ग्लूकोस ही लूज़ करती है बॉडी का, ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा थकान हो, और ग्लूकोस ही रिकवर करता है बॉडी को। सो ये बहुत अच्छा सोर्स है रिकवरी का, मेरी बात को ध्यान से सुने, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ग्लूकोस, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं यूज़ करता हूँ भाई, 740 रुपये का डब्बा है और रिजल्ट बम है इसका। ये हर्बोलिन है, सबको बताइए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नेचुरल लिक्विड है, हर्ब से बना हुआ है,
ठीक है, इसमें मल्टी वाइटमिन भी हैं, डुकोलविट है, फर्टी ऑयल है, बाकी फर्टिलिटी ऑयल के बारे में एक बार थोड़ा सा बताना। फर्टिलिटी ऑयल बेसिकली जिनमें फर्टिलिटी का इश्यू आ जाता है उन कबूतरों के लिए बहुत ही अच्छा है, वैसे भी नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, तो जिनके फैंसी बर्ड्स हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। और ये एक्सपेंसिव है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 2200 की है, ठीक है, ये 250 ml की बॉटल है। और ये जो कबूतरों में नरों में स्पर्म की कमी हो जाती है या उनके जो दिक्कत आती है उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है, कच्चे अंडे हों उसको रिकवर करती है, बच्चा ना बनना अंडे में उसको रिकवर करती है। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वर्सेल लगा कंपनी का। और अपने पास ग्रोवेल के भी हैं, ग्रोवेल के तो हमारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, नाम से बिकते हैं और भाई इसका अमीनो पावर तो चुकता ही नहीं है। फिलहाल इसका ग्रोविट पावर भी हमारे पास, मल्टीविटामिन है, ग्रोमिन फोर्ट प्लस है जो कि फर्टिलिटी के लिए है, बहुत सस्ता भी है और बहुत कारगर भी है, 320 रुपये का। सो मेरे पास दोनों कैटेगरी हैं, जिसकी जैसी जेब अलाउ करता हूँ वो वैसा प्रोडक्ट यूज़ कर ले, महंगा भी है सस्ता भी है। बूस्टर है, लीवर टॉनिक है, ये किट हमारी बहुत किट की किट ही चली जाती है। अभी हमारे को अपने कबूतरों को हेल्थी रखना है, मैं पूरी किट ही बना के दे देता हूँ, 2 से 2500 के अंदर आपकी किट रेडी हो जाती है, लीवर टॉनिक, मल्टीविटामिन, बूस्टर, फर्टिलिटी और इसमें कैल्शियम भी आ जाता है जिसमें। सो ये इनके प्रोडक्ट हैं ग्रोवेल के। ग्रोवेल के दो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये इलेक्ट्रॉल, आपका कबूतर पोटा जाम कर गया और कबूतरों में इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो गया, आप पोटा साफ करोगे जब भी कबूतर की जान बचेगी, नहीं तो कबूतर मर जाएगा 101%, मरेगा ही मरेगा बिल्कुल। सो आप ये मत खरीदो, मैं कहता हूँ मार्केट से इलेक्ट्रॉल ले आओ, पोटा साफ करो उसमें इलेक्ट्रॉल डाल लो, ठंडा होता है पोटे के अंदर से पूरा वॉश कर देता है, जान डाल देता है कबूतर के अंदर, एनर्जी है इसके अंदर। सो पोटा वो पानी थोड़ी देर के लिए होता है सफाई करने के लिए, लेकिन ये है कि अंदर जाके पूरी ठंडक देता है, जो भी अंदर जहर फैला हुआ होता है कबूतर के पोटे में गलत खाना खाने से जो आ जाता है, हरी बीट करने लगता है कबूतर। सो पोटा साफ करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके कबूतर में इन्फेक्शन आ गया। 2-4 कबूतर 5 कबूतर ऐसे होते हैं जो दाना रोकने लगते हैं, जिनका लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसके बाद आप उसको घर में कोई दवाई नहीं पड़ी, आप इमरजेंसी क्या करेंगे, आप उसके लिए पावर जेल ले आएँ, लीवर टॉनिक कोई भी ले लें और जो क्रोसिन है बच्चों वाला लिक्विड पिंक कलर का वो ले आएँ। ये आप होम्योपैथिक ड्रॉपर्स आते हैं ऐसे, जैसे कि ये है, ऐसे में भर के रख लें वो सारे सिरप और 5-5 बूंद दिन में 3 बार दें पोटा साफ करने के बाद, कबूतर वहीं आपका रिकवर हो जाएगा। और कबूतर कोई ज़्यादा लूज हो रहा है तो बेटनिसोल सिरप आता है, वो स्टीरॉयड है, आप 5-5 बूंद वो दें, आपका कबूतर खड़ा हो जाएगा। गौर करने की बात है दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तभी आपका कबूतर बचेगा। इन दिनों मौसम चेंज हो रहा है, बहुत लोगों के यहाँ बीमारी है। सो ये तो हो गए मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स दोस्तों, बाकी हमारे पास जो है ड्रिंकर्स हैं, पर्चेज हैं, फ्लोर मैट्स हैं, 2 होल फीडर है, फीडिंग ट्रेज है, ये हमारी फीडिंग ट्रे है, ये 1000 की है, आप पहले 900 की बेचते थे, अब लोग बहुत कह रहे हैं भाई आप 100 रुपये बढ़ा दिए, वीडियो में 900 की बोलते थे, भाई लोहा महंगा हो गया, प्लास्टिक महंगा हो गया पीछे से। सो ये हमारी हॉट सेलिंग आइटम है। और भाई ये देखें, ये ब्रांडिंग है, आप हमारी ट्रेस पे सब पे आपको ब्रांडिंग मिलेंगी जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में बनी हुई है, लोकल तो बंदे बहुत बेच रहे हैं लेकिन ये ब्रांडेड चीज़ है और हैंडमेड आइटम है, बहुत सुपर क्वालिटी से फिनिशिंग आप देखें इसकी कितनी प्यारी है। इसमें मेरे पास येलो कलर भी है, रेड कलर भी है, तो ये जिसके लॉफ्ट के हिसाब से जो कलर शूट कर रहा हो आप वो ले सकते हैं। ये देखिए सामने येलो कलर है, फिनिशिंग लाइटनिंग फ्रक के ऊपर अल्टीमेट है। नेक्स्ट वॉक में अपने पास आपको कोई सा भी कलर लेना हो, ब्लू है, रेड है, ग्रे है, ग्रीन है, मैट्स अलग से हैं, ठीक है दोस्तों। ड्रिंकर्स हैं हमारे पास, 3 लीटर ड्रिंकर है, 6 लीटर ड्रिंकर है, ये 500 का है, ये 700 का है 6 लीटर, और ये 425 का है 2 लीटर ट्रांसपेरेंट है। प्लस हमारे पास जो ये ड्रिंकर है, अब हमने इसके पहले 500 का था 400 का कर दिया, और ये भी हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। कितने लीटर का है ये? 2.5 लीटर का है, 5 लीटर ड्रिंकर है, ये 600 रुपये का कर दिया जी। जैसे शिपमेंट्स आ रही हैं आगे, हमें भी पीछे से महंगी आती थी, सो इस बार ये 600 का कर दिया, आपको ये 5 लीटर ड्रिंकर 600 रुपये में मिल रहा है ऑल ओवर इंडिया, लेकिन डिस्काउंट कोई नहीं है, अभी 1 रुपया अभी डिस्काउंट नहीं है क्योंकि रीजनेबल प्राइस हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। और परचेज हैं ये 90 रुपीज़ ईच है, हमारे पास सारे कलर्स हैं,
ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है प्लस ग्रे भी है। तो भैया जिसका जो कलर सूट कर रहा हो पूरा का पूरा कॉम्बो बना सकते हैं। इसका एक दो आपको मैं बना के भी दिखाऊंगा वीडियो में, जो आप अच्छा है। आशीष भाई ये ड्रिंकर हमारा है, ये किसी के पास नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में, बहुत से लोग इसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। सो अनब्रेकेबल ड्रिंकर है ये, मैंने अमेरिका से सैंपल मंगवाया था उसको देख के बनाया है। ये 3 लीटर ड्रिंकर है, इससे पानी सिर्फ यहाँ से आएगा और मैं आपको इसमें पानी भी डाल के दिखाता हूँ और इसकी यूटिलिटी कैसे है मैं अभी सब समझाता हूँ आपको। सो दोस्तों ये 3 लीटर पानी है इसके अंदर और ये इसका कवर है। आप इसको ऐसे सीधा कर देंगे, एक बूंद भी पानी इसमें गंदा नहीं होगा। देखिए पानी यहाँ आ गया, कबूतर पीता रहेगा और पानी वहीं के उसी लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा। सो ये अमेरिकन ड्रिंकर है 3 लीटर का, आगे इसमें हम 5 लीटर भी बनाएंगे और अनब्रेकेबल आइटम है। 1200 का इसका प्राइस है। हमने एक आइटम और स्टार्ट करी है, छतरी वाला कपड़ा। किसी भाई को छतरी का कपड़ा चाहिए वो पंजाब से मंगाते थे, दिल्ली में ही अवेलेबल है, ठीक है जी। और कोरियर भी हो जाएगा। 4 कलर हैं, ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड। और ये 200 रुपये मीटर है दोस्तों, किसी भी भाई को चाहिए। और सिलवा के चाहिए तो वो सिलवा के भी दे देंगे, सिल के दे देंगे। और ड्रिंकर्स में सॉलिड यूरोपियन ड्रिंकर्स हैं, हैवी ड्यूटी। ये 5 लीटर है, ये 900 रुपीज़ का, इस पर कलर नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये 6.5 लीटर है, का फायदा ये इस पर कबूतर नहीं बैठ पाएगा ऊपर। और ये 3 लीटर है दोस्तों। और इसी के साथ में हमारे पास पंजाब ट्रेस भी है, जिसमें हमारे पास 3 फुटी है, ठीक है। ये 3 फुटी है, 500 की है, ये 2 फुटी है, 400 की है। लेकिन ये वाली ट्रे हम कोरियर नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा साइज है, कर भी देंगे देखेंगे। ये 750 की है, ये 4 फुट की है, ठीक है। पंप है, फीडिंग ट्रेस वगैरह है, आप सब पता ही है दोस्तों। ये बेसिकली पंप है बच्चे के लिए, हाँ, फीडिंग के लिए, बच्चों को फीडिंग कराने के लिए। ये पुराना आर्टिकल है लेकिन बहुत कारगर है दोस्तों। मार्केट में जो ड्रिंकर मिल रहे हैं ना इसके साथ के, उनमें क्या है वेल्डिंग हुई हुई है। हम भी पहले वेल्डिंग वाला बनाते थे, जो काम दुनिया अब कर रही है वो मैंने करके छोड़ दिए हैं। वेल्डिंग टूट जाती है, स्पोर्ट वेल्डिंग होती है। आप ये देखें, ये अब एल्यूमिनियम पाइप है और ये रिबिट से लगे हुए हैं, अंदर देखें आप, ये निकलेंगे नहीं, ठीक है ना। और सॉलिड भी लग रहे हैं देखने में भी, और ऊपर इसमें कुंडा भी है उठाने के लिए इसको। तो इसके मुकाबले का ड्रिंकर 2.5 से 3 लीटर का मेटल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मोस्टली लोग लाइक करते हैं इसलिए कि इसमें ईजिली कबूतर पानी पी लेता है। कितने लीटर में है? इसमें 2.5 लीटर है। और इसमें मेरे पास 2-3 साइजेस हैं, लार्ज, मीडियम, वो मैं कैटलॉग में आपको भेज दूंगा। और ये हमारा बैग है ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोस्तों, ये बड़ा साइज है 2200 का, मीडियम 1700 का, और लार्ज 12 स्मॉल जो है 1200 का है। ये पूरा फोल्डेबल होता है, इजीली आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ऐसे ही पैक हो जाता पूरा। और कितने कबूतर इसमें? 20 कबूतर आ जाते हैं इसमें तकरीबन, 20 से 25 कबूतर। तो भाई इजीली आप जैसे कोई कबूतर भाई लेके आते हैं बाहर से, दिल्ली के बाहर से या कहीं से भी इंपोर्ट करते हैं लेके आते हैं, तो इजीली इसमें कैरी कर सकते हैं। करीब 20x20 कबूतर आराम से जाएंगे, और अगर आप और डालना चाहते हैं तो 2-3-4 कबूतर और आ जाएंगे। तो ये भाई ट्रांसपोर्टेशन बैग है। गार्गो का दाना है, सुपर क्वालिटी, इंपोर्टेड क्वालिटी है। और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने कबूतरों में, अभी आपको दिखाऊंगा ऊपर दाना डालते हुए सब कुछ। और भाई ये मैं इसमें बाजरा नहीं होता, एक कट्टा दाना जो है मैं ये 2 कट्टे बाजरों में मिला लेता हूँ,
और मेरा मल्टीग्रेन फूड रेडी हो जाता है, मुझे ना धोने की जरूरत है ना कुछ। ही ऑर्गेनिक फूड है, जीरो पेस्टिसाइड पे पैदा हुआ हुआ। और भाई किसी को भी ज़्यादा जानकारी लेनी हो ना, बस ये लिख दें आप गूगल पे जाके गार्वो, इसके बारे में देख लें कितनी बड़ी कंपनी है, कौन कौन से पेट्स के लिए फूड बनाती है। सो मैं ब्रांडेड चीज़ बेच रहा हूँ, कोई लोकल चीज़ नहीं बेच रहा मार्केट के अंदर, जिससे किसी कबूतरबाज का नुकसान हो। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, मैं तो ये कहना चाहूँगा। ये दोस्तों ये है हमारे पास ग्रिट, अभी इसके साथ की बेयर्स की एक ग्रिट मेरे पास ख़त्म है, वो 3000 का बैग है, मल्टी मिनरल, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ग्रिट है। और ये जो है नॉर्मल ग्रिट है, ये 20 kg का बैग है, दोनों ही 2400 ईच है। और ये 2.5 किलो का बैग है जो कि 600 रुपये का है, कोरियर एक्स्ट्रा है। सो भाई ग्रिट जरूर डाला करें, पर भी चौड़े आते हैं कबूतरों की हेल्थ और उसके जो उनकी अंदर का स्टेमिना होता है ना, वो भी स्ट्रांग होता है ग्रिट से, क्योंकि कैल्शियम होता है इसके अंदर प्योर। सो बहुत सपोर्ट करती है ये ग्रिट कबूतरों को, ये भी ज़रूर डाला करें अपने कबूतरों को। सो दोस्तों ये जितने भी मद्रासी जोड़े हैं घर पे सिर्फ टैडी हैं, यहाँ ले आया हूँ पूरी वेंटिलेशन के अंदर, नीचे अपने रूम में ऑफिस वाली छत पे जो है ब्रीडिंग के लिए, बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हैं। आपको मैं बताऊँ, कोई भी मेडिसिन देनी हो अगर आपने, तो पहले पानी हटा लो हमेशा, जोड़े वालों में से पानी हटा लो। और जब आप मेडिसिन रखेंगे ना दाने खिलाने के बाद, तो कबूतर खींच के पानी पिएगा। देखो दोस्तों ग्रिट, ये ग्रिट रखी हुई है कबूतरों के लिए। दाना देख लो दोस्तों आप, ये वही गार्वो का दाना, दो एक कट्टा हमने दो कट्टे बाजरों में 60 किलो में 20 किलो गार्वो का दाना मिलाया हुआ है, सारे मल्टी ग्रेन दाना। देख लो दोस्तों दाना, ऐसे बच्चे नहीं पलते हैं। अभी कोई दोस्त आए थे, 5-6 बच्चे ले गए हो, और भाई मैं आपको ये देखे बच्चों की हालत, कोई भी सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं मिलेगा आपको। और ये बहुत ही अच्छा, अभी तो बच्चा ही है, और फेस देखें इसका, हेल्थ देखें बच्चों की आप। सो दोस्तों ये 2.5 लीटर पानी ले लिया हमने, अब दाना वो खा रहे हैं कबूतर, और ये अमीनो पावर है, ये मैंने आधा ढक्कन अमीनो पावर इसमें डाल दिया, 5 लीटर में एक ढक्कन डाल दो, और थोड़ा सा इसमें जो है लीवर टॉनिक इसके साथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे कबूतरों की इस बार पर पटाई के बाद बहुत अच्छे पर आए हैं, पर चौड़े आए हैं। सो ये पानी तो मैं अभी आके रखूंगा जब कबूतर दाना खा लेंगे। और जो कबूतरों की मैं अभी इस टाइम केयर कर रहा हूँ वो आशीष भाई, मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा कल दाना बच गया था, सो ये दाना लिया उड़ने वाले कबूतरों का। ये सरसों का तेल हमने फाड़ रखा है दही से, ताकि इस पर दाना अच्छे से चिपक जाए, ये चिकनाओं में भी गिरते हैं हम। इसमें सूरजमुखी है, अकला भी है, रागी भी है, सरसों भी है, मटर्स भी हैं, छोटा मक्का भी है, कुसुम के बीज हैं, लाल ज्वार है, सफ़ेद ज्वार है। ये मल्टी ग्रेन दाना है दोस्तों, बेस्ट दाना ब्रीडिंग के टाइम पे खिलाया जाता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। उड़ानों में तो साला सिर्फ बाजरा ही चलता है। ये हमने जो है एक चम्मच बड़ा, समझ लें आप, वीटा ले लिया है 1 किलो, सॉरी 1 चम्मच कोलंबिया वीटा। और भाई ये गार्वो का कैल्शियम है, ये मैंने पर्सनली अपने लिए मंगाया था, किसी भाई को चाहिए होगा तो ऑर्डर पे मंगा देंगे। ये कैल्शियम डाल दिया हमने यूँ, ठीक है दोस्तों, बहुत एक्सपेंसिव कैल्शियम है ये।
और ये आज कबूतरबाजी बड़ी एडवांस हो गई है यार, बहुत कुछ करना पड़ता है अच्छे कबूतर उड़ाने के लिए, अच्छे ढंग से कबूतरों को रखने के लिए, अच्छा लॉफ्ट, अच्छा दाना। सो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया शौक जो है। तो ये हमारा दाना रेडी हो गया जी उड़ने वाले कबूतरों का, जो कि अभी परपड़ाई के टाइम पे डल रहा है। वैसे कबूतर परदार हो गए हैं, दसवां पर उनका जो है, दसवीं कली थोड़ी सी रह गई है। सो ये डालेंगे हम दाना उड़ने वाले कबूतरों को। सो दोस्तों ये मेरी डाइट है, ठीक है, पर पटाई के टाइम पे जो मैंने पूरा एक महीना खिलाया है। अभी 50 दिन का टाइम लेते हैं हम लोग, 10 दिन पर सूखने में और 40 दिन पर आने में, 30 से 32 दिन में वैसे आ जाते हैं। पर ये मेरा लॉफ्ट है, ठीक है जी। तो मैं अभी दाना लगाऊंगा, उससे पहले मैं आपको कबूतरों के परों से रूबरू करा देता हूँ। हमने 16 जुलाई को पर खींचे थे आशीष भाई, अभी 10वीं कली रह रही है, पूरी नहीं हुई है, देखें आप। और ये सुंदर भाई वाली नस्लों में से है मेरे पास, मद्रासी जहाज ऐसा ला, लेकिन उड़ता बहुत है, हरा सबसे खरा। मैं हरों से अच्छा मद्रासियों में कोई कबूतर नहीं मानता है, उड़ान बहुत होती है इनमें, हरे और नफ्ते कबूतर। इनमें सफ़ेद मिला दो नफ्ते मिल जाएंगे, काली चोंच के अगर सफ़ेद मिलाओगे, सफ़ेद चोंच का सफ़ेद मिलाओगे तो पिलखे बन जाएंगे। तो आप पर देखें किस क्वालिटी के पर आए हैं। बहुत ही शानदार पर आ रहे हैं कबूतरों के, उधर मादिने हैं। एक दो और कबूतर दिखाते हैं, ये भी बहुत उड़ता है। थोड़ा हाँ, अब तो साइज़ इतना बड़ा है, मैं हैरान होता हूँ भाई वाली ब्रीड पे, इतना बड़ा साइज़ होने के बाद भी इनमें उड़ान है। नस्ल बेसिकली उड़ती है, नस्ल अच्छी होनी चाहिए, कबूतर सारे उड़ते हैं भाई। मेरा फीमेल सेक्शन है कबूतरों का आजकल, पता नहीं मेरा खुद मन नहीं करता अपनी वीडियोज़ बनाने का। आज आशीष भाई आए हैं तो इनके माध्यम से ये सब उड़ेंगे जी अक्टूबर में अपने पास। ये फ्लोरिंग सिस्टम है हमारा, और ऊपर देखें आप, ऊपर भी पूरा अंदर वेंटिलेशन पूरी है, इधर खिड़की, पीछे खिड़की, उधर खिड़की, सामने गेट, और इधर हरियाली, 5 किलोमीटर जंगल है। सो भाई ये अपने इस बार उड़ेंगे कबूतर, इनमें से मैं आपको कुछ मादाओं को शौक कराता हूँ। ज्यादा हरे ही आशीष भाई, हरों के अंदर उड़ान भी अच्छी है, पर भी खराब नहीं होते इनके कबूतरों के। लेकिन अब एक पंगा ये रह गया, 15-20 दिन जो है ना, इनकी कुरीज, सिर की कुरीज रह गई, इनके गले पे कुरीज आ जाएगी, इसमें भी हवा लगती है कबूतरों को, तो ये भी बहुत होनी जरूरी है पूरी। छोटी सी मुलायम बदन की होंगे, फैट ब्रीड है, गुलाबी पलकों की बिल्कुल घर की पट्टी है। ये भी मेरी उड़ती हुई है, गर्मी में उड़ी हुई है, और पीएम अक्टूबर में भी उड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत है इसकी बहने भी, और ये भी भाई। अच्छा, ये लाल पिलके और लाल दुबाज, हाँ एक लाल भी दिखाऊंगा सूरत। ये हरा दुबाज और लाल दुबाज कबूतर मैंने मिलाया आपस में, नर लाल दुबाज पिलखा है और मादी हरी दुबाज पिलखी है। तो ये कलर आ रहा है, आप देखें पर की क्वालिटी, देखें आशीष भाई सब दाने का कमाल है। दाने का तो नहीं मैं बोलूँगा, सॉरी, पूरी सेवा की है ऑल ओवर। हम चिकनाव भी डालते हैं कबूतरों को, और ये कबूतर परदार हो रहे हैं अभी, ये 10वीं कली रह रही है इसकी। ये भाई दिल्ली के एक जाने माने उस्ताद हैं, उनके लिए रखी हुई है, नाम नहीं लूँगा मैं।
छोटी सी लाल हरी आँखों की कबूतरी है, एंटी गाइस है। देखें आप अंदर का इसका अडेप्टेशन ऑफ सर्कल जो है ना वो बहुत अच्छा है, और गुलाबी पलकों की ग्रीन कलर का शेड, जैसा इसका कलर है ऐसे इसके पंजे हैं, और ऐसी इसकी चोंच है, और ऐसी इसकी पलके हैं, और ऐसे ही इसका बदन है। देख ले कितना मुलायम और सॉफ्ट रेड कलर, लाल तामड़ी, बहुत प्यारी लगती है मेरे को ये कबूतरी है। ये टैडियो से क्रॉस मैंने बनाई है। आप इसका पल्ला देखें, पर देखें कितने लाजवाब पर आए हैं। ये पूरी मद्रासियों में उड़ती है, 8-9 घंटे मैंने गर्मी में उड़ा रखी है। अब इसको जब मैं आगे किसी कल्चरे मद्रासी में मिलाऊंगा ना तो इसने मद्रासी बना देने हैं। माँ इसकी मद्रासन थी, बाप इसका डैडी था। अभी कल्चरे मद्रासी बना देगा। हाँ, और कैसे ही बनते हैं। अभी आंध्रा वाले कबूतर देख लो, वो ऐसे ही हैं, ठीक है ना। देखें आप डैडियो जैसी शक्ल इसकी, चोंच भी वैसी पतली लंबी, लेकिन इसमें मद्रासी का ज़्यादा वो आया है क्योंकि माँ इसकी मद्रासन थी। 80% फीमेल का ही आता है। और आशीष भाई मजाक नहीं, मेरे को बहुत पसंद है वजूद से, बदन से, और मुलायमियत और उड़ान हर चीज़। अच्छा, अकेली उड़ा दूंगा ना तो कला भी मार देती है, क्योंकि देसी हाइफ्लर कबूतरों में तो होता है। सो ये एक डिफरेंट ब्रीड तैयार करेंगे आगे, इनको कल्चरे मद्रासियों में क्रॉस मारेंगे। मजाक नहीं, हम भी ऐसे घर में नहीं रहते जितनी फैसिलिटीज मैंने इन कबूतरों को दे रखी है ना। नीचे फ्लोर मैट, मल्टीग्रेन दाना, सरसों के तेल में देसी घी की रोटियां। नॉर्मली हम खुद नॉर्मल आटा खाते हैं, घर में मल्टीग्रेन खाना चाहिए। हाँ तो भाई, ये मेल वाले मेल तो बच्चे भी हैं वैसे, वैसे बच्चे फीमेल में सेक्शन में छोड़ना चाहिए, अगर छोड़े में गलत है, क्योंकि क्या मादिनों में कोई नर बनेगा तो पता लग जाएगा, लेकिन कोई मादिन होगी तो वो क्रॉस नहीं हो जाए हो पाएगी ना, मतलब नर में कमी बनते हैं। दाना पानी ऑलरेडी आज रखा ही हुआ है इनको, वहाँ कोई मल्टी विटामिन नहीं लगाना। आशीष भाई, आप इतनी जगह जाते हो, ऐसी फ्लोर ग्रेडिंग वगैरह कोई यूज़ करता है? नहीं, ये मैंने नहीं देखी। हाँ जी बुआ जी, भाइयों ये आज जो आपको पूरी की पूरी रेंज कवर कराई, दाना कवर कराया, और ये सामने आपके देखे कबूतर कितने चाव से खाते हुए सारा का सारा दाना। तो भाई इसी नोट के साथ अब एंड करेंगे वीडियो को। तो दोस्तों अब ये देख रहे हैं आप, मेडिसिन वाला पानी है ना, हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पिलाने में। भूखे कबूतरों को दाना डाल दिया ना, अभी इनको पानी दे दिया, अभी आपके सामने पियेंगे जी। कोई हिचकिचाहट नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसमें अमीनो पावर है, लीवर टॉनिक है। वैसे लीवर टॉनिक में 7 कम ही देता हूँ, अमीनो पावर 2। आप लगातार 10 दिन सारे बच्चे तगड़े पलेंगे आपके। भैया देखो, खींच के पानी पी रहे हैं कबूतर, बिल्कुल खींच के पी रहे हैं पानी। पहले इनको दाना रख दिया था, अब इनको पानी रख दिया था, दाना इन्होंने खा लिया है। इसमें काले सहारनपुरी नए आए हैं, वो फार्म से पानी नहीं पी रहे थे, इनके लिए दूसरा ड्रिंक करें।